डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट पोर्शन में आपका स्वागत है। आप देखिए इंप्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन की टेक्निक सारी हो गई है, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपने अभी तक देखिए इस स्टाइल में डिफरेंशिएशन किया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये यानी y हमें दिया हुआ है अलग और फंक्शन डिफाइन है, एफ एफ फंक्शन जो है x की टर्म में डिफाइन है, तो आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x इजीली कर सकते थे। बट यहां पर अब इंप्लिसिट फंक्शन का मतलब यह है कि आपको सीधा सीधा हलवा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उलझा के दिया हुआ है फंक्शन आपको। y इज इक्वल टू यदि इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, तो यानी y इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो यानी गुथा हुआ है एक दूसरे में, x और y गुथे हुए हैं, तो इन्हें अलग करके कैसे काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, तो इन्हें हम बाद में करेंगे, इन क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जो सर्कल इक्वेशन है, और इसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में कर चुके हैं, लेकिन अब आप इसे डायरेक्ट करिए आप, ठीक है, आपको नहीं कहा गया है कि आप इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन से करिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज द एलिटर, ये अल्टरनेट मेथड है इसका। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज हियर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका, वी हैव द सॉल्यूशन स्टार्ट, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ वी कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहां पे हम, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो बड़ा ध्यान से करेंगे आप, टू एक्स एक्स स्क्वायर का ये हो गया टू वाई, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का जीरो हो गया, क्लियर। अब आप देखिए यहां पर टू से टू कैंसिल हो गया, जीरो में चला गया, यानी कॉमन लेके हटा दिया और इस एक्स को उधर भेज दिया, ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स वेरी सिंपल इट इज, और हमारे पास में y का डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया x अपॉन y, ये बहुत सिंपल है और हम इसको कर चुके हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैंने कराया था, x की पावर 2 बाय 3 प्लस y की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू a की पावर 2 बाय 3, तो ये एक इक्वेशन थी, इससे भी पैरामेट्रिक इक्वेशन से मैंने कराया था, इसका अल्टरनेट मेथड फिर देख लीजिए आप, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये भी, और इसको और अपन इज इक्वल टू करके नहीं करेंगे, सिंपल डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करिए, आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू बाय थ्री नीचे उतर गया और एक्स की पावर माइनस वन बाय थ्री आगे टू बाय थ्री में से कम हो गई, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पर भी, ठीक है, तो अब इसका करिए आप, तो टू बाय थ्री नीचे उतरेगी, वाई की पावर टू बाय थ्री माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन बाय थ्री एंड डी वाई बाय डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन और इज इक्वल टू जीरो, ए की पावर टू बाय थ्री का जीरो हो गया, और टू बाय थ्री जीरो में चला गया, जैसे ये टू टू करके जीरो में गया था इसी तरह से ये जीरो में चला गया। अब आप देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास में आ गया एक्स की पावर माइनस वन बाय थ्री और वाई की पावर माइनस वन बाय थ्री डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स शुद्ध हमें मिल गया क्या, माइनस एक्स माइनस वन बाय थ्री वाई माइनस वन बाय थ्री, ये आंसर है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज दीजिए इसको नीचे भेज दीजिए क्योंकि पॉजिटिव हो जाएंगे पावर, तो हमारे पास में आ गया अंडर रूट थ्री यानी क्यूबिक रूट बन जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस का और डी वाई बाय डी एक्स, दोनों शुरुआत करने के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन की शुरुआत करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, दिस थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट आप इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसमें से आपको जैसे छलनी से छानते हैं ना, तो डी वाई बाय डी एक्स उठा के लेफ्ट साइड रख लीजिए और उस पोर्शन को उठा के डिवाइड करना है आपको, जो भी डी वाई बाय डी एक्स के साथ चिपका हुआ है ना उसको आप डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो डी वाई बाय डी एक्स आपके पास एकदम प्योर 100% निकल जाएगा। तो और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, वो देखिए
ये एक क्वेश्चन आपके लिए, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, और क्या फाइंड करना है आपको, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, इट इज द सॉल्यूशन। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये सवार नहीं होने देगा अपने सर पे, इधर पटकेगा, और एक्स माइनस वाई ऑनली रह जाएगा क्योंकि लॉग ई ई बेस पे 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, और आपके पास में ये रह गया लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू। अब आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये है लॉग मोटा एक्स, लॉग मोटा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/xy, और अब आप एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू इंटू वी मेथड से करेंगे, तो 1 × y प्लस x/dy/dx, y का डिफरेंशिएशन, और इज इक्वल टू 1 − dy/dx। अब आप इस dy/dx को इधर बुला लीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो जैसे ब्रैकेट को खोलोगे आप, तो y/xy ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y y को ले उड़ा, प्लस अब आप देखिए x/xy ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और dy/dx इज इक्वल टू 1 − dy/dx। अभी हम बाद में लेंगे इसको इधर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसको x से x कैंसिल हो गया, और 1/x को उधर भेज दीजिए, तो 1 − 1/x और dy/dx इधर आ गया, जो कि हम इस तरह से कॉमन लेंगे, dy/dx और 1/y प्लस 1, यानी dy/dx जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, जब हम कॉमन ले लेंगे। तो अब आप आंसर लिख दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू 1 − 1, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x − 1/x, और इससे डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम आपके पास में आएगा 1 + y/y। तो आंसर आपका आफ्टर कैलकुलेशन ये देख लीजिए आप, तो x − 1 और 1 + y, y ऊपर आ गया और x नीचे आ गया, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए आप, cos x की पावर y, cos y की पावर x। तो अब फिर वापस टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो वी हैव दिस सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। तो देखिए आप, तो लॉग कॉस एक्स सर पे सवार नहीं होने देता, वाई नीचे पड़ गया, इधर देखिए आप एक्स नीचे, लॉग कॉस वाई। अब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यू और वी, तो यू का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, और वी का मल्टीप्लाई लॉग कॉस एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन और इसकी मल्टीप्लाई, तो 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन −sin x। क्लियर, अब आप इधर आ जाइए, ये भी u into v, इट इज 1, एंड log cos y का मल्टीप्लाई प्लस अब x की मल्टीप्लाई log का, तो 1/cos y मोटा x cos y, और cos y का डिफरेंशिएशन −sin y, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो cos x का डिफरेंशिएशन cos y का, याद रखें आप, माइनस आएगा, ठीक है, को कमांडिंग ऑफिसर हियर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये dy/dx वाले को इधर लाएंगे, और जो विदाउट dy/dx है उसको उधर भेज देंगे। तो देखिए आप, तो dy/dx तो सबसे पहले आप इसको अलग करके इस तरह से लिख दें, और लिखें log cos x, और इसको यहां पर ले आइए, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इधर आएगा, तो x और sin/cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है, तो tan y, सिंपल हो गया। अब इसको उधर भेज दीजिए, ये वाले को, तो ये साहब यहां बैठे हुए हैं, log cos y, और जब ये उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y, और sin/cos is tan x।
अब आप इसका डिवाइड कर दीजिए तो शुद्ध 100% आपको आंसर मिल जाएगा log cos y plus y tan x upon log cos x plus x tan y. इट इज योर आंसर और 100% dy/dx आपके पास में तैयार है. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है. यहां पर देख लीजिए, बहुत सिंपल है. अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है. और फाइंड क्या करना है इसमें, dy by dx फाइंड करना है आपको. तो देखिए आप, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy by dx इज इक्वल टू, होता क्या है, जल्दबाजी में हम tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं. ये सबसे भारी चूक है. तो आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हो गया जीरो. इसी तरह से इधर भी आप करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. बहुत ध्यान से आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये गलती होती है, तो इसको गलती को आप दोहराएंगे नहीं. तो dy by dx आपका आंसर आ जाएगा. जब आप इसको उधर भेजेंगे तो ये हो गया आपका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपका आंसर आ गया. अब यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे ना, तो वेरिएबल सेपरेबल में यही क्वेश्चन आपको मुलाकात में मिलेगा. इसी तरह से यही क्वेश्चन आपको वेरिएबल सेपरेबल में मिल जाएगा. तो dy by dx आप निकाल लीजिए. इसी तरह से cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स a. तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए. तो डिफरेंशिएशन इक्वेशंस करेंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात होगी, वेरिएबल सेपरेबल से फटाफट आपका आंसर आएगा. तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए. ये कहां से मिल रहे हैं आपको, इंप्लिसिट फंक्शन. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का इंप्लिसिट फंक्शन. इंप्लिसिट फंक्शन में आज के लिए इतना ही है. कल यानी नेक्स्ट क्लास में ये स्टार क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंप्लिसिट फंक्शन के. तो आप खतरनाक भी हैं और थोड़ा सा हटके इनमें क्या करना है हमें, तो ये मैं कल आपको बताऊंगा, ट्रिक है इसमें. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.